हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। और कुछ जो क्वेश्चंस होंगे मैं डेली आपको लेके आऊँगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपकी NTA नेट के लिए, जो कि जुलाई में है। और मैं बता दूं, अगर आपने हमारा और वीडियो नहीं देखा है NTA नेट पेपर वन के लिए, तो आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में लगभग सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। और आप वीडियो देखकर अगर इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं? ऑप्शन है निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूल में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना। बी कहता है विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता। तीसरा कहता है देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। और चौथा कहता है ए और बी दोनों ही। देखें, अगर हम लोग नैतिकता की दृष्टि से देखें तो उसका आंसर जो होगा ए और बी होगा। लेकिन जो की है, जो UGC नेट में आंसर्स की होती है, उसमें जो आंसर दिया होगा मैं उसके बेस पे करवाऊँ, ठीक है ना। ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं पहले, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है आंसर सी, यानी देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना ही इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू UGC, ठीक है ना। तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट है, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? चार ऑप्शन है, काम को अपने लिए बोझ न मानना, काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, और काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो इसका आंसर है आंसर सी, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, जो है इस पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, या फिर एक तपस्या है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, कि शिक्षा जो है वो एक कौशल है, ठीक है ना, शिक्षण। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण में किन बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला कहता है शिक्षा के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, और शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर ए और बी दोनों ही सही है। तो आपका ये ऑप्शन है, तो याद रखें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं बता दूं, अगर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो शिक्षा के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है, और साथ ही साथ छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि और योग्यताओं पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर डी, करेक्ट होगा, ठीक है ना, आंसर डी, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं? ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको गैस करना है। पहला ऑप्शन कहता है निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, या फिर ए और बी दोनों। तो एक अभिभावक जो होते हैं वो अपने बालकों के लिए अध्यापक से ये निष्पक्ष व्यवहार की आशा करते हैं, और साथ ही साथ सहानुभूति एवं प्रेम की आशा करते हैं। तो इस तरीके से ए और बी जो आंसर है इसका ठीक है, यानी डी। नेक्स्ट है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, आत्मसंतोष की भावना होती है आपके अंदर, प्रसन्नता की भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है, या फिर आत्मलानी की भावना होती है, ठीक है ना, आत्मग्लानी की भावना होती है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर आत्मसंतोष की भावना होती है, ठीक है ना, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, किसका होना चाहिए? स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, या फिर अभिभावक के ऊपर, या धर्म गुरु के ऊपर? तो आपको इसका आंसर जो है वो गैस करना है कि क्या हो सकता है। तो नैतिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है स्कूल के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि समाज में तो वो बाद में घुलता मिलता है, लेकिन सबसे पहले स्कूल होता है जहाँ पे उसको शिक्षा दी जाती है। तो अभिभावक जो होते हैं वो भी उसे नैतिक शिक्षा देते हैं हालांकि, लेकिन जो पहले, अगर हम बात करें पहले प्राप्त करने की, तो स्कूलों के द्वारा ही उन्हें नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी? डॉल्टन ने, जॉन डेवी ने, फ्रोबेल ने, या एनी बेसेंट ने? आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन ठीक है, तो याद रखें फ्रोबेल ने नर्सरी स्कूल की जो है शुरुआत की थी। ये बच्चों के लिए स्कूल होता है जहाँ पर जब पहली बार किसी बच्चे को डाला जाता है और उसकी आयु बहुत कम होती है, यानी इसकी शिक्षा का जो बेस होता है वो इसी क्लास से शुरू किया जाता है, नर्सरी, तो उसको शुरू किया था फ्रोबेल ने। नेक्स्ट है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन कहता है छात्रों को किसी कार्य में लगाना,
शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना, तीसरा ऑप्शन कहता है प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, या फिर बालक का सर्वांगीण विकास करना। चार ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी, यानी बालक का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है क्यों, कहाँ पर, प्राइमरी स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में, सेकेंडरी स्कूलों में, या फिर कॉलेजों में। तो याद रखिए प्राइमरी स्कूल में जो है वो अभिभावक मुलाकात की आवश्यकता अधिक पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बच्चा शरारती होता है इस आयु में जब प्राइमरी में पढ़ता है, तो इस कारण इसमें अभिभावक को मुलाकात करनी पड़ती है अध्यापकों से। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। चार ऑप्शन है, सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार होना, या उद्देश्यहीन शिक्षा होना, या घटिया स्तर की शिक्षा होना। चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो है आपको गैस करना है, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, उद्देश्यहीन शिक्षा का होना, ठीक है ना, इसके कारण बेरोजगारी हमारे देश में है। नेक्स्ट है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अब आपके व्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आपको खुद दिमाग से इस क्वेश्चन को सोचना है, एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद कहीं आपको अपने विचार जो है वो देने होंगे। पहला कहता है शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो चार ऑप्शन है आपके, और आपके भी उसमें पूछे जा रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर है अकॉर्डिंग टू यूजीसी वो है आंसर डी, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है ना, सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है, खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है, मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, या फिर सामूहिक प्रवृत्ति को दबाती है। तो आपको आंसर बताना है, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर एक, खेल के माध्यम से जो शिक्षा है वो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है क्या है, होना इच्छित व्यवहारों का पुनरावलोकन, दूसरा है नियमों का कड़ाई से पालन, स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श, या फिर स्कूलों को शोर मुक्त करना। अनुसंधान का मौलिक दर्शन क्या होता है, चार ऑप्शन है आपको बताना है, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, ठीक है ना। नेक्स्ट है, तो आज के लिए इतना ही, और जो क्वेश्चन होंगे वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। रोज ये प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, अगर आप एनटीए नेट जुलाई में देना चाहते हैं, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।